बीएससी और एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689 6 9689
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
फाइनल जीत गई बानी जा अब कहीं लड़ाई नहीं के 20 तारीख के 7 बजे अपना अपना बूथ पर जाके इतना बटन दबा देवे के बाद डोली छाप पर कि विरोधी के 10 बजे हरा देवे के बाद डोली जीता तनू गावा गाई हल्ला बा जीत गई भाई जीत गई जीत गई भाई जीत गई गेहूं नहीं के टक्कर में गोली छाप के जब गेहूं पूछे जीत गई भाई जीत गई गांव के बीडीसी कैसा हो
अभी बड़गांव करजनिया नरहिया धरनी छापर बड़गांव गोसाई टोला अभी बहुत मीटिंग करे के बाकी बा अभी बहुत कुछ बाकी बा। हम बड़गांव के लोग से यह कहे ये भी अगर वह बड़गांव के चाहता नहीं कि हमार बड़गांव चारों तरफ रोड बन जाओ, गांव में नाला बन जाओ, गांव में स्वास्थ्य केंद्र बन जाओ, गांव में पीएससी बन जाओ, तब तर वह हमरा के चुनाव जिताई। देखिए हम चुनाव लड़े के पहले ये गांव के कचरा साफ कर ले बनी हमारा अधिकार बाकी ना तो हम अपना गांव के लोग ये कहते नहीं कि बड़गांव हमारा दिल में बा। अब बड़गांव खाती अगर अपना शरीर के कतरा कतरा भी बहवावे कोई तो बहवा दे और वह सब हमारा साथे बानी कि ना बड़गांव के सब लोग साथे बानू 20 तारीख के सब लोग बूथ पर जाएंगू डोली छाप पर बटन दबाएंगू। हम भाई लोग से आग्रह करते नहीं एकरा बाद अभी हमरा दूसरा गांव में जाए के बा वो लोग जुटल बा शांति बना के केहू से झगड़ा निखे करे के शांति बना के चुनाव लड़े के बा। काल हम जब समय ये देव यहू से बड़का जन सैलाब के साथ ये गांव में घूमल जाई अपन बात समाप्त करते नहीं गला फसता सब लोग प्रणाम करते। नमस्कार आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूँ चंदर। आप देख सकते हैं संजय कुशवाहा का यहाँ पर जो बीडीसी के उम्मीदवार हैं बड़गांव पंचायत से किस तरीके से इनका यहाँ पर निकला हुआ है जनसैलाब के साथ। संजय जी क्या कहना चाहेंगे पूरी भीड़ है देखी जा रही है। अब हम आपको क्या बतावें आज ये जनसैलाब बता रहा है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। इस बार बड़गांव के जनता ने ठाना है कि संजय कुशवाहा को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाना है। क्या लग रहा है संजय जी एक बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं और इस तरीके से जनसैलाब पूरा पद यात्रा निकाले हुए हैं। देखिए जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, जनता मेरे लिए भगवान है। आज लोगों ने ठाना है, लोगों ने आज दिखा दिया बड़गांव के लोगों ने कि यह मैरवा का बीडीसी का क्षेत्र बड़गांव बीडीसी क्षेत्र मैरवा के ब्लॉक प्रमुख का प्रतीक है और हमें ब्लॉक प्रमुख बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लोग रोक नहीं सकते हैं लेकिन आपको रोकने के लिए बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। हम तो आज 2006 से देखते आ रहे हैं जी। जब जब हम चुनाव लड़े हैं हमारे विरोधी हमारे सामने आते हैं और 2 से 3 दिन में हम उन्हें चित कर देते हैं। हमको कहीं नहीं लग रहा है कि कोई हमारे विरोधी अब रह गया। आज अभी 13 तारीख है, अभी 20 तारीख बाकी है। इससे भी बड़ा बड़ा जन सैलाब के साथ हम तमाम गांव में जाएंगे और जनता ने इस बार ठाना है कि डोली छाप जिताना है। 20 तारीख को क्या होगा, 20 तारीख को और 22 को रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या होगा? देखिए 20 तारीख को बड़गांव के तमाम जनता से हमें अपील है कि आप लोग 7 बजे तक बूथ पर चले जाएं, बिना खाना खाए पहले लाइन में लग जाना है, वहाँ ईवीएम पर बटन दबा देना है जो हमारा चुनाव चिन्ह है डोली। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर के आई है
और संजय कुशवाहा को विजयी बना करके जाएंगी। इसलिए हम जनता से आग्रह करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोगों से, कि 20 तारीख को सुबह चल जाना है और जो हमारा चुनाव चिन्ह है डोली जो 6 नंबर पर है उस पर इतना बटन दबा दीजिए कि हमारा विरोधी 10 बजे तक चित हो जाए। क्या करेंगे इस गांव के लिए आप क्या करेंगे, जनता ने अगर मौका दे दिया तो? इस गांव के लिए हम क्या करेंगे, अब तो यहां दिख रहा है कि हम काम क्या किए हैं। चुनाव लड़ने से पहले हम यहां मजदूरी किए हैं। अपना जनता जनार्दन से यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें आप चुनाव जिताते हैं तो इससे भी बड़ा बड़ा काम, यहाँ हम स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे, स्वास्थ्य उपकेंद्र बनवाने का काम करेंगे, बड़गांव से पानी का निकास का काम करेंगे, एक बहुत बड़ा रोड बनवाने का काम करेंगे। काम तो बहुत है, चुनाव जीतने दीजिए उसके बाद देखिए विकास कैसे करते हैं। पदयात्रा कहाँ कहाँ चलेगा आपका? देखिए रात हम बड़गांव करजनिया में पदयात्रा निकाले थे, आज बड़गांव है, कल नरहिया है, परसों धरनी छापर है, उसके बाद उस पर बड़गांव है, गोसाई टोला, 3-4 गो गाँवे हैं मेरे पास लड़ने के लिए। बाकी तो यहाँ बहुत छोटा ये पंचायत है, आप जन सैलाब से पता लगा लीजिए कि हमारे पास जन सैलाब कितना, समर्थन कितना है। बिल्कुल, आपने देखा कि कुशवाहा जो कि BDC के उम्मीदवार हैं और ऐसे में बड़गांव पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, देखना होगा कि जनता किस तरीके से इन्हें सपोर्ट करती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, बड़गांव पंचायत, सिवान। सिवान का जाना पहचाना VIP अल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित अल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है, साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। ग्राम पंचायत राज महुआरी से मुखिया पद की सुयोग, शिक्षित एवं मिलनसार महिला प्रत्याशी रेहाना खातून का चुनाव चिन्ह कैमरा छाप है। आप सभी से निवेदन है कि EVM के क्रमांक संख्या 9 कैमरा छाप पर नीला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से रेहाना खातून को विजयी बनाएं। मैं पंचायत राज नरकटिया से राजीव मिश्रा, BDC प्रत्याशी। मैं अपने माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों से मैं ये अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह कुदाल छाप है, आप लोग 8 नंबर पर कुदाल छाप पर वोट करें और मुझे भारी भारी से भारी मतों पे विजयी बनावे। मैं अशोक कुमार प्रसाद, मुखिया ग्राम पंचायत राज कबीरपुर, प्रखंड मैरवा। मैं अपने पंचायत से पुनः एक बार 2021 के चुनाव में प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, जो क्रम संख्या 1 पर है। मैं अपने पंचायत के सम्मानित जनता से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस बार के चुनाव में फिर एक बार मौका दिया जाए। और इसी के साथ है, पिछले में 10 वर्षों से जो मेरे पंचायत के सम्मानित जनता के साथ जो सम्मान दिए हैं, व्यवहार किए हैं और पूरे पंचायत को एक विकास मॉडल के रूप में पेश किए हैं, निश्चित रूप से मुझे आशा भी है कि मेरे पंचायत की जनता, मेरे पंचायत की भाइयों बहनों सभी लोग मिलकर मुझे मदद करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ है काफ़ी भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मुझे काफ़ी उम्मीद है और भरोसा भी है और एक बार और अपील करेंगे अपने पंचायत की सम्मानित जनता से कि मुझे एक बार और अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए कि अपने पंचायत के नाम को रोशन करें और एक बार पंचायत कबीरपुर के एक बार और मॉडल के रूप में पेश किया जाए। नमस्कार, मैं कुंदन शाही ग्राम पंचायत राजंगोता से बोल रहा हूँ। मेरी माताजी मीनू शाही इस पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, जो कि EVM क्रमांक संख्या नंबर 1 पर है। मैं अपने पंचायत के समस्त सम्मानित जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार मुझे अपना मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और मैं ये वादा करता हूँ कि आपके हर सुख दुख में और आपके हर काम में मैं 24 घंटा तत्परता से उपलब्ध रहूँगा और
मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी बहकावे में ना आए, आप लोग पहले भी हम लोग को चुनते आए हैं और इस बार फिर मौका दें। नमस्कार। मैं सुरेश चौधरी, मेरी पत्नी रीना देवी ग्राम पंचायत राज गंभीरपुर से फिर से दोबारा मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि 5 नंबर AVM नंबर पर फूल छाप है, वो मैं जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि फिर सेवा के मौका। आप सभी जनता जनार्दन से, आप हमारे मालिक गार्जियन सब हैं, आप सबसे आग्रह है कि हमारे घर से हमारी भाभी अंकिता देवी मुखिया प्रत्याशी हैं बड़कामजा पंचायत से। आप लोगों ने दो बार हमें बहुत प्यार दिया, हमें चुना, हमने आपके लिए कार्य करने का प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया कि हम अच्छा कार्य करें, आपके सुख दुख में साथ रहें, हम रहे, आपका प्यार अभी भी मिल रहा है, हमने आपके लिए काम किया, आपने जो कहा आपके हर संभव साथ रहे, हम अभी भी हमारा प्रयास है कि हम आपके साथ रहें, इसके लिए आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। इस बार पुनः हमें 20 अक्टूबर को मोती के माला चुनाव चिन्ह EVM नंबर 1 पे है बटन दबा के हमें भारी मतों से विजयी बनाने का आशीर्वाद दें। हम प्रायः आपके सेवा में रहेंगे, हम हमेशा सेवा करते रहें, हमारा स्वभाव से भी हम लोग सेवा करने वाले हैं, आप लोग देख चुके हैं, एक बार और मौका दें ताकि हम आपकी सेवा में रहें सदैव। मैं शिवतापुर पंचायत की मुखिया श्रीमती पिंकी देवी आपके चैनल एवं अपने पंचायत वासियों को शारदीय नवरात्र को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं प्रणाम करती हूँ। साथ साथ मैं अपने पंचायत वासियों से अपील करती हूँ कि 5 नंबर पर पुल छाप नीला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, जैसे प्रेम स्नेह हम लोग बना कर रखे थे उसी तरह बनाए रखेंगे। बड़े बुजुर्ग माताएं एवं बहनों सबको मैं प्रणाम करती हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को, साथ ही पंचायतवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जिस श्यामतापुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्रीमती पिंकी देवी का चुनाव चिन्ह पुल छाप है जो क्रमांक 5 पे है, और मैं अपने पंचायतवासियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पिंकी देवी को क्रमांक 5 पे पुल छापे नीला बटन दबाकर विजयी बनाने की। मैं रजनीश गोंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से प्रत्याशी हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार मेरे को क्रम संख्या 7 पर रेल का इंजन छाप मुझे चुनाव चिन्ह मिला है। इस बार मैं जनता से अपील करता हूं कि मेरे को एक एक वोट दे करके पुनः जिताने का प्रयास करें। अगर हम जीतते हैं तो सारी जनता को मिल करके और साथ चलने का प्रयास करें।